बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.2.1, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टॉपिक नंबर 12.2.1, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। फोकल पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर क्या है, ठीक है। कनकेव मिरर वो मिरर है जिसका हमारे साथ इनर सरफेस पॉलिश हो, जिसका इनर सरफेस पॉलिश हो। इनर सरफेस पॉलिश होने का मतलब क्या है कि जब लाइट रे इसके साथ टकरा जाए और वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाए, यानी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, उस मिरर को हम क्या कहते हैं, उस मिरर को हम कहते हैं एक कनकेव मिरर, ठीक है, उस मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल पॉइंट क्या होगी, ठीक है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल पॉइंट क्या होगी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, फोकल लेंथ हमारे साथ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कॉपी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। फोकल पॉइंट क्या है, ठीक है, फोकल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिस पर सारी लाइट रे एक पॉइंट पर फोकस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। अब फोकल लेंथ किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कनकेव मिरर के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, और ये पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ कनकेव मिरर क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या है और फोकल पॉइंट क्या होगी, ठीक है। फर्ज करें हमारे साथ एक लाइट रे आ जाए, ठीक है, और ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के साथ क्या हो जाए, टकरा जाए, ठीक है। फर्ज करें एक लाइट रे आ गया, कनकेव मिरर के साथ टकरा गया, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पर, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, ठीक है। हमने पहले ड्रा किया था किस चीज़ को, प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो कि सेंटर से पास होकर फोकल पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये रेड लाइन जो हमें नज़र आता है, डॉटेड लाइन, तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल लाइन जी, ठीक है। अब ये लाइट रे हमारे साथ आ गया, ये रेड इंसिडेंट रे जिसे हम कहते हैं, इस मिरर के साथ टकरा गया पॉइंट ए में, ठीक है, पॉइंट ए पर यहाँ पर टकरा गया। तो यहाँ पर टकरा जाने के बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, क्या, क्यों रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये सरफेस क्या है, हाईली पॉलिश्ड है, ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए तो यह वहाँ पर वापस आ जाएगा, इस एक और पॉइंट से पास होगा, किस चीज़ से, एक और पॉइंट से पास होगा जिस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कि जो भी लाइट रे, अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे, लेकिन अपने जहन में ये पॉइंट याद रख लीजिए कि जो भी लाइट रे फोकल यानी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ जाए, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ जाए, ये देख ले, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस और ये इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल है, तो वो जब मिरर के साथ टकरा जाए तो फिर वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, वो लाइट रे फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी लाइट रे आगे एक पॉइंट ए के साथ टकरा गया और वापस रिफ्लेक्ट हो गया, वो एक पॉइंट तक आ गया, पोल पॉइंट तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल कहाँ पर हमने ड्रा किया कि इस सेंटर से पास हो जाए और इस पॉइंट ए को, यानी इन दोनों एंगल को हाफ में डिवाइड कर दे, इन दोनों एंगल को हाफ में डिवाइड करिए, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे साथ किस कौन सी बनेगी, 30 एंगल बनेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे साथ कितनी बनेगी, 30 एंगल। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी उभे होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी
एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है किस चीज़ के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे साथ नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल बन गया सी एफ ए या ए एफ सी ट्राइंगल हमारे साथ बन गया, ठीक है। और ये कौन से ट्राइंगल है, ये है हमारे साथ, ये सी एफ ट्राइंगल बन गया हमारे साथ। इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो एंगल सेम हो या दो साइड सेम हो। तो यहाँ पर देखिए एंगल अब इंसिडेंस यानी यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है उतना यहाँ पर भी बन रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। और ये दोनों सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, ये दोनों साइड्स भी क्या है, सेम है, सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। ये दोनों साइड भी हमारे साथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो एंगल और ये और दो साइड हमारे साथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब ये तो हमारे साथ बन गया एक आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। अब परेस करी यहाँ पर देख ली, ठीक है, कि ये भी हमारे साथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सॉरी, ये भी हमारे साथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी हमारे साथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस सी एफ प्लस एफ पी, टोटल डिस्टेंस एफ सी पी सी किस चीज़ के बराबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है सी एफ प्लस एफ पी के, सी एफ प्लस एफ पी के, ठीक है। सी एफ प्लस एफ पी के टोटल डिस्टेंस बराबर है सी एफ, सी एफ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, सी एफ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सी एफ ये एक डिस्टेंस हो गया, प्लस एफ पी ये दूसरा डिस्टेंस हो गया, ये दूसरा डिस्टेंस हमारे साथ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ए बराबर है किस चीज़ से, एफ पी के, एफ ए बराबर है एफ पी के, ठीक है। क्योंकि ये लाइट रे जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो ये वापस इस पोल पॉइंट से पास होकर सीधा चला गया है, ठीक है। और ये लाइट रे जब इसके साथ टकरा गया तो दोबारा इस फोकल पॉइंट पर से पास हो गया, दोबारा इस फोकल पॉइंट से पास हो गया, ठीक है। तो ये ए एफ ऑफ और प्लस और एफ पी ये तो एक दूसरे के बराबर है, ए एफ प्लस ए एफ एंड एफ पी एक दूसरे के क्या है, ए एफ ये वाला डिस्टेंस और एफ पी ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, When the incoming parallel ray lies close to the principal axis, अगर ये light ray principal axis के close आ जाए, ठीक है, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये light ray क्या आ जाए, close आ जाए, ठीक है, यानी ये यहाँ तक आ जाए या बिल्कुल यहाँ तक भी हो, ठीक है, principal axis के क्या है, close है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉल एंड द डिस्टेंस एफ ए बिकम सिमिलर टू द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस एफ पी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस है एफ पी, एफ ए बराबर हो जाएगा एफ पी के, एफ ए बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, एफ ए के, ठीक है, एफ ए बराबर हो जाएगा एफ पी के, ठीक है। अच्छा, एंड द डिस्टेंस एफ ए बिकम सिमिलर इन द लेंथ टू द डिस्टेंस एफ पी बिकॉज एंगल आई ए स्मॉल, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है या एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है, स्मॉल है, सी एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ क्या है, सी एफ इज इक्वल टू एफ, सी एफ किस चीज़ के बराबर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आइसोसेलिस ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल में सी एफ दो साइड्स बराबर होते हैं, सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ या एफ ए, ठीक है। और ये बराबर है एफ पी के, किस चीज़ के बराबर है, एफ पी के, ये किस चीज़ के बराबर है, एफ पी के। अब ये टोटल डिस्टेंस तो बराबर है किस चीज़ के, सी पी के, टोटल डिस्टेंस किस सी पी के बराबर है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, सी पी के बराबर है, ठीक है। और सी पी बराबर है किस चीज़ के, टू एफ के, ठीक है, यानी सी एफ प्लस सी एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। अब सी एफ बराबर है एफ पी के तो जाहिर सी बात है एफ पी भी सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सी एफ भी एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ बुक में गिवन है एफ पी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू सी पी,
एपी यानी यहाँ से यानी पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस एफ पी बराबर है कि किस चीज़ के बराबर है, हाफ ऑफ सी पी, यहाँ पर देख ले ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, तो सी पी हाफ ऑफ सी पी के बराबर, एफ पी हाफ ऑफ सी के बराबर है, ठीक है। एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी की, यहाँ पर देख ले बिल्कुल मिड पर है, तो ये बिल्कुल मिड पर है तो ये हाफ हो गया इसका, ठीक है। तो सी पी बराबर हो गया है एफ पी का, ठीक है, हाफ ऑफ सी पी बराबर हो गया है एफ पी का, ठीक है। एंड सो पॉइंट अप्लाइज हाफ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, जिस तरह मैंने बता दिया कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान है, ठीक है। पॉइंट एफ इस कॉल्ड फोकल पॉइंट, पॉइंट एफ इस कॉल्ड, इस पॉइंट एफ को फिर हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट एफ को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू द पोल इस कॉल्ड फोकल लेंथ एंड सिम्बलाइज इज एफ। डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू फोकल लेंथ इज कॉल्ड, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द फोकल लेंथ इज हाफ, इज वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर द स्पेरिकल मिरर पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकल पॉइंट बिकॉज ऑल द इंसिडेंट लाइट रे दैट आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड पास टू द टू दैट वन पॉइंट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर हमारे साथ सारी लाइट रे जो है वो फोकल पॉइंट से पास होती है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ जाए, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, या पोल पॉइंट्स के क्लोज आ जाए, तो वो सॉरी पोल से के साथ क्लोज आ जाए, ठीक है, तो वो सारे लाइट रे एक ही पॉइंट से पास होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, ठीक है, ये सारी लाइट रे एक ही जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आए हैं वो क्या हो गए हैं, एक ही पॉइंट पर फोकस हो गए हैं, एक ही पॉइंट पर फोकस हो गए हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से पोल पॉइंट तक जो डिस्टेंस, सॉरी, इस पॉइंट को हम पोल पॉइंट कहते हैं या सॉरी फोकस पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ये है पोल पॉइंट, पोल पॉइंट से लेकर फोकस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ क्या है कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारे साथ डिस्टेंस बन गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस सी से लेकर पी तक टोटल डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, आर के बराबर है। टोटल डिस्टेंस सी से लेकर पी तक टोटल डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, आर के, यानी सी पी किस चीज़ के बराबर है, सी पी बराबर है किस चीज़ के, आर के बराबर है। सी पी किस चीज़ के बराबर है, आर के बराबर है। यहाँ पर सिंपल मैं आर पुट कर लूँगा, और एफ पी किस चीज़ के बराबर है, स्मॉल एफ के बराबर है। एफ पी किस चीज़ के बराबर है, स्मॉल एफ के बराबर है, ठीक है। एफ पी बराबर है स्मॉल एफ के, एफ पी बराबर है स्मॉल एफ के, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एफ लिख लूँगा स्मॉल एफ, और यहाँ पर सी पी की जगह मैं क्या लिख लूँगा, आर लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू आर, यानी फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ किस चीज़ के बराबर है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। तो ये था हमारे साथ क्या, फोकल लेंथ पर कनकेव मिरर। याद रखिए कि पर कनकेव मिरर हमारे साथ एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू आर आएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू आर, एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू आर, ठीक है। ये आ गया हमारे साथ फोकल लेंथ पर कनकेव मिरर, फोकल लेंथ पर कनकेव मिरर, ठीक है।
ये था हमारे साथ पोकलिन पर कनक्यो मेरे, ठीक है। नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह पोकलिन पोकलिन एंड पोकल पॉइंट आप एक कन्वेक्स मेरे, ठीक है। वो भी बिल्कुल इस तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आता है, किस तरह नेगेटिव आता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। काइंडली इस पर अपने आप को समझे, ये बुक्स ही 3-4 टाइम रीड कर ले और इस डायग्राम पे अपने आप को समझा ले, तब आप लोगों के जहन में ये सारे आइडिया बैठ जाएगा। अगर आप लोग इस तरह नहीं करते तो फिर मेरा ये बातें करना या मेरा ये एक्सप्लेन करना बिल्कुल फजूल है, ठीक है। आप पेंसिल उठाए, पेज उठाए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए कि ये डिस्टेंस जो हमारे साथ बराबर है, ठीक है, ये किस तरह बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस डायग्राम की तरफ, ठीक है, कि ये सी ए बराबर है एफ वी के आइसोसेलिस ट्राइंगल है, फिर एफ ए बराबर है एफ पी के, अब सी पी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, सी एफ प्लस एफ पी या टोटल डिस्टेंस सी पी बराबर है हाफ ऑफ एफ पी के, ठीक है, सॉरी एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी एफ की, ये किस तरह बराबर है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 2 या 3 टाइम इसको रीड आउट कर ले, ठीक है, तो आप लोगों के जहन में ये सारा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच काइंडली, जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज़ कमेंट कीजिए।